नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। उपायुक्त रांची राहुल कुमार द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को सर्वधर्म सद्भावना के साथ दुर्गा पूजा संपन्न हो, इसको लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सारे सदस्य और सभी संबंधित लोग शामिल हुए। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक में आए सभी शांति समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन का सहयोग आप सभी शांति समिति के सदस्यों से उपेक्षित है। सभी की सहभागिता इस पर्व को और भी बड़ा और भव्य बनाएगा। शांति समिति के सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि माँ दुर्गा पूजा आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ संपन्न होगा। शांति समिति की बैठक में आए सभी शांति समिति के सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि माँ दुर्गा पूजा आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ संपन्न होगा, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमारे लोग भी पूजा पंडालों में सहयोग और अन्य सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जिस पर उपायुक्त रांची ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आप सभी का सहयोग हमेशा से जिला प्रशासन को मिलता रहा है, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन में भी आप सभी की सहभागिता जरूरी है। बिल्कुल, सर्वधर्म सद्भावना के साथ सभी त्यौहार रांची जिले में संपन्न हो, इसी आलोक में शांति समिति की बैठक की सभी सदस्य सभी सम्मानित सदस्यों के साथ अभी पूजा की तैयारियों पे चर्चा हुई और सभी पूजा पंडाल अपने अपने क्षेत्र में सभी धर्मों के साथ एकजुटता के साथ मनाए, यही हम सभी की इच्छा रहेगी। विसर्जन के समय जिन किन्हीं भी रूटों से विसर्जन जुलूस निकल रहा है वहाँ पर सभी धर्मों के लोग स्वागत करें और सही तरीके से विसर्जन हो जाए और सभी लोग पूरे पूजा समिति में छोटे छोटे माध्यमों से इन्वॉल्व रहें। कहीं पर श्रमदान करा के साफ सफाई की व्यवस्था हो, कहीं अगर बिजली की व्यवस्था, कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं चाहे कोई भी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग एकजुटता का परिचय देंगे। और अभी यहाँ पर मोहम्मद इस्लाम जी हैं, अशरफ जी हैं, सभी मोहल्लों से आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार रखे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने अपने क्षेत्र में आयोजन हो रहा है इसकी उन्होंने चर्चा करी और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष दुर्गा पूजा बिल्कुल बेहतरीन रहेगा और सभी के सहयोग और सद्भावना भाईचारे के समागम के साथ हम बहुत ही सफलतापूर्वक इस पूरे जिले में दुर्गा पूजा को सफलतापूर्वक संपादित करेंगे।